यदि तुम तप प्रारंभ करने जा रहे हो तो तुम्हें किसी की बुद्धि को वश में करने की क्या आवश्यकता है? आप देवी सरस्वती हैं, ज्ञान और बुद्धि की जननी। आपका पुत्र हूँ मैं। अनेकों अपराध किए हैं मैंने, किंतु आज फिर भी आपके मान को ठेस पहुंचता देख, आपको गजानन से मेरे लिए भिक्षा मांगते देख, मुझे बहुत दुख हुआ। माँ, क्या उस बालक द्वारा अपने पुत्र को पराजित और अपमानित होते देख आपको दुख नहीं हुआ? माता, यदि वो महादेव और देवी पार्वती का पुत्र है तो मैं भी आपका पुत्र हूँ। माँ, एक बार मुझे आप वो वरदान दे दीजिए तो मैं अपने सामर्थ्य का उचित प्रमाण दूंगा उस बालक को। बस, बस। अब तुम्हें यदि किसी को कोई प्रमाण देना है तो अपने तप और प्रायश्चित से देना होगा। इसलिए वरदान नहीं, तप से उचित ज्ञान प्राप्त करो। बस, तप प्रायश्चित यही बोल फूट रहे हैं आपके मुख से। क्षमा, प्राश्चित और तप का कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए। वरदान दीजिए मुझे। माता है आप और आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को वरदान देना, अन्यथा सिंदूरा। पुनः उद्दंडता करने का दुस्साहस मत करो। भूलो मत, पूर्व में भी शापित कर चुका हूँ मैं तुम्हें और पुनः शाप दे सकता हूँ तुम्हें। नहीं 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 पिताश्री, मुझे श्राप मत दीजिए पिताश्री। नहीं 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 पिताश्री, क्षमा कर दीजिए पिताश्री। क्या लगा आपको कि मैं भयभीत हो गया? आपके श्राप ने मुझे असुर बना दिया, किंतु क्या हुआ उससे? मैं तो बन गया पाताल सम्राट, असुर सम्राट सिंदूरा। आपका कोई शाप मेरी महानता को कम नहीं कर सकता। आपके शाप को तो वरदान में परिवर्तित कर दिया मैंने, और एक वरदान तो आपने भी मुझे दिया था पिताश्री, स्मरण है ना? जिसने मुझे परम शक्तिशाली बना दिया। वरदान दीजिए मुझे, अन्यथा आपके स्वामी को भीज कर रख दूंगा मैं। वरदान दीजिए मुझे, वरदान दीजिए मुझे, वरदान दीजिए, वरदान दीजिए मुझे माता, वरदान। नहीं, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। ये क्यों लौट आया यहाँ? एक पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके आदेशों का पालन करना, किंतु आपने सदैव उनका अपमान ही किया।
ये कैसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे खींच रही है? आपके माता पिता ने आपको जीवन दिया और आपने उनसे उनका जीवन छीनने का प्रयास किया। ये अपनी माँ से मिथ्या बोलने का दंड है। वो आपकी रक्षा करना चाहती थी और आपने उनके साथ ही छल किया और आपने उन्हीं के साथ विश्वासघात भी किया। ये दंड है अपने माता पिता को सताने का और आपके अन्य सभी पापों का। और ये आपकी माता द्वारा दिए गए प्रायश्चित करने के अवसर को ठुकराने का। ये दंड है अपने माता पिता का अपमान करने का। और ये दंड है अपने पिता को आहत करने का प्रयास करने का। ये दंड है अपनी माता को रुलाने का। अब ज्ञात हुआ आपको माता के अश्रुओं में कितनी शक्ति होती है? जी, आपने उन्हें सुधरने का अवसर दिया था, किंतु वो कहां सुधरना चाहते थे? पुत्र गजानन, आज तुमने हमारा मान रखा, सिंदूरा को उचित पाठ पढ़ाया। मुझे विश्वास है वो यहां पुनः लौटने का साहस कदापि नहीं करेगा। कैसे पिता है आप ब्रह्मदेव? गजानन ने आपका मान रखा तो वो अच्छा हो गया। आपके पुत्र का इतना अपमान किया उसने, उससे आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपका मान मान और मेरा मान कुछ नहीं। अपनी संतान के प्रति भी कोई दायित्व है आपका? उसे रोकने के स्थान पर आपने तो अपने पुत्र के विरुद्ध उसका साथ दिया, मेरा अपमान करने दिया उसे। अहंकार के अंधकार के कारण सिंदूरा जी की मति मारी गई है। वो जहाँ है वहाँ से उन्हें विनम्रता और धर्म का प्रकाश दिखाना असंभव है। सिंदूरा जी, साहस है तो मेरे सामने आकर मेरा सामना कीजिए। महादेव और देवी पार्वती पुत्र गजानन, तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी शक्तियों पर? तो प्रमाणित करो अपना विश्वास। आओ मेरी भुजाओं में समाकर दिखाओ। नहीं, नहीं गजानन। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे, उसके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे। पुत्र गजानन, ऐसा कदापि मत करना। सिंदूरा जी, यदि आप में इतना साहस है तो मुझे अपनी भुजाओं में भर कर दिखाइए। स्वामी, सिंदूरा को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। वो गजानन को अपने भुजाओं में भरकर आहत कर देगा। ये गजानन ने सिंदूरा की चुनौती स्वीकारी क्योंकि इंद्रदेव, अवश्य ही गजानन के पास इसका कोई उचित कारण होगा। आपका कथन सत्य हो सूर्यदेव, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। सिंदूरा पुत्र गजानन को ये चुनौती देकर दुष्टता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। निश्चिंत रहो माँ,
हमारा पुत्र गजानन छोटा अवश्य है, किंतु किसी भी शत्रु की भुजाएं इतनी बड़ी नहीं कि वो इसे अपने भीतर समा ले। वो यदि समाएगा तो बस अपनी मां की भुजाओं में। गजानन, मेरी भुजाएं तुम्हारी मृत्यु का द्वार है, अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। गजानन, बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूं। सिंदूरा आकार अपना बढ़ाता, किंतु मासुत का पार नहीं पाता। दुष्ट भयंकर राक्षस जुगत सब लगाया, गजानन न किंतु भुजाओं में समाया। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। अच्छा गजानन को दो दिन लाल बिहार।
राजे सुत गौरी हर को आचरिये गुड़ लड्डू साई सुर भर को महिमा कहीं न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्ताधिकारी विष्णु संग लक्ष्मी शिव उमा संग पधारे देव चकित षठ को गजानन संहारे दर्शाए तस्कर विभिन्न शस्त्र धारे महादेव के पुत्र क्रोध से चिन्हारे सिंदूरा सिंदूर बन के छिटक जाए सिंदूर बदन तब विनायक का हाय जय गणेश जय गणेश देवा माता जाती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा। तेरे पुत्र को ये क्या हो रहा है स्वामी, कुछ कीजिए महादेव, मेरे पुत्र को। हे श्री हरि नारायण, ये गजानन का क्रोध सर्वदा विनाश करेगा, हम कैसे रोकेंगे इन्हें? इस घटनाक्रम का आरंभ आप ही ने किया था देवराज इंद्र, और इसका अंत भी अब आप ही को करना होगा। गजानन को अयोग्य घोषित कर उन्हें देवता पद देने से मना किया था ना आपने, इसीलिए गजानन अपने विराट रूप के दर्शन दे रहे हैं। अब तो आप इन्हें देवता रूप में स्वीकार करेंगे ना देवराज? मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैं आपको पहचान नहीं सका। देवराज होने के दंभ में मैंने आपका, आपकी माता का और आपके परिवार का अपमान किया। किंतु अब मैं स्वयं अपने हाथों से हवन में आहुति देकर गजानन को देवता स्वीकार करूं, देवता स्वीकार करूं, देवता स्वीकार करूं। जय जय श्री गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव। महाराज को अति भावे गोसावी नंदन निशदिन गुण गावे गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव। ओम गजाननाय नमः। No, no, no.
करता स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। चिंतल जन सुखदायक देव गण राया, वांछित फल पाया जो चरणों में आया। मुझे क्षमा कर दीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.